हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके इंस्टाग्राम से किसी पोस्ट का म्यूजिक हट गया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पोस्ट से म्यूजिक हट गया है, यानी कि सॉन्ग हट गया है, जैसा कि दोस्तों मैं यहां पर एक वीडियो मेरे भी पोस्ट पर है कि यहां पर मैंने इस तरीके से सॉन्ग पर वीडियो बनाया था, बट यहां पर म्यूजिक हट गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, दिस ऑडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं अपने म्यूजिक पर। और यहां पर मैं आवाज़ को भी इस तरीके से फुल कर रखा हूं, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आवाज़ नहीं चल रही है। यहां पर म्यूजिक हट चुका है। यहां पर देखिए दोस्तों, इस पोस्ट पर म्यूजिक आ रही है। इसी तरीके से अगर आपके भी किसी पोस्ट से म्यूजिक हट गया है इंस्टाग्राम से, तो उसे आप किस तरीके से ला सकते हो और किस कारण से आपका म्यूजिक हट जाता है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए दोस्तों, आप लोग गलती क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पर जो सॉन्ग रील्स वीडियो बना रहे होते हैं, जैसा कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपने कोई सॉन्ग देखा, यहीं से आप डायरेक्ट इस पर वीडियो बना देते हैं, इसीलिए आपका म्यूजिक हट जाता है। जिसके बाद दोस्तों, आप म्यूजिक ऐड करना चाहोगे तो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों, मेरे पे एक पोस्ट से म्यूजिक हट गया है, इस पोस्ट से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों एडिट करने का सारा प्रोसेस मिलता है, बट यहाँ पर म्यूजिक ऐड करने का फिर से ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप जहाँ तक हो पाए, तो दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट रील वीडियो ना शूट कीजिए। आप किसी ऐप से वीडियो को शूट कीजिए, उसके बाद दोस्तों किसी ऐप से एडिट करके म्यूजिक के साथ यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए, ताकि आपका इंस्टाग्राम पे म्यूजिक कभी रिमूव नहीं होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्टली वीडियो बनाते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ से मैं डायरेक्टली इस तरीके से वीडियो यहाँ पर यूज आइडियो पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट वीडियो बनाऊँ, तो दोस्तों यहाँ पर इसका म्यूजिक भविष्य में खत्म हो सकता है, यानी कि बंद कर सकता है, क्योंकि स्ट्राइक हो सकता है, कोई मार दे, कॉपीराइट स्ट्राइक भी मार सकता है अगर यहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आपको यही बताना है कि आपको एडिट करके, काइनमास्टर हुआ, पावर डायरेक्टर हुआ, इन ऐपों से आप एडिट करके अगर रील्स वीडियो पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, तो उसका म्यूजिक कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि कभी रिमूव नहीं होगा, आपके पोस्ट पर हमेशा म्यूजिक वो रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।